अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? तो आप लोगों के लिए आज के दिन भी मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ, लेकिन आज के दिन से पहले हम बात करेंगे कल के दिन की, कि कल के दिन हमने आपको क्या बताया था और मार्केट किस तरीके से मूव हुई, मार्केट ने कितने लोगों को ट्रैप किया, कितने लोगों को सेफ किया और कितने लोग मार्केट से कमा सके। एक्चुअली मार्केट से कितने लोगों ने कमाया, बात करते हैं हम इस पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कल वाले मूव पे उन्होंने लॉस करा होगा, किसी ने कमाया होगा। अब लॉस किस बंदों ने किया होगा, किन बंदों ने लॉस किया होगा, जिन बंदों ने चीज़ें समझी नहीं होंगी, देखिए मैं सबको बता रहा हूँ, चीख चीख के बता रहा हूँ कि डोंट बाय गोल्ड, डोंट बाय गोल्ड। ये अभी राइट टाइम नहीं है कि अभी इसमें आप बाइंग देखें गोल्ड में। अब देखें बड़े मज़े की एक चीज़ बताता हूँ, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस मार्केट में। एक्सपीरियंस मैं फिर बोलूँगा, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस मार्केट में। बहुत लोग हैं जो 10 10 साल से, 20 20 साल से भी हैं इस मार्केट में, लेकिन मार्केट को समझने की नज़र, समझने का तरीका होता है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको जो बता रहा है वो सही बता रहा है। अब मैं बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ फाइनेंशियल ब्रदर्स पाकिस्तान के नाम से, उस प्लेटफॉर्म पे हर बंदे की एक तो मदद होगी, और इस फील्ड में जिन लोगों को मार्केट के बारे में नहीं पता और वो बता रहे हैं मार्केट के बारे में लोगों को, और आप लोग उसमें कंप्लेन सेंटर भी मैं करूँगा, कंप्लेन भी करिएगा, आपके कौन कौन है आप नाम के साथ कंप्लेन करिएगा मुझे, सही है? तो उन लोगों को मैं कोशिश करूँगा, उन लोग का कोई इंटरव्यू हो गया तो इस टाइप का देखेंगे सिनेरियो, वरना उनको मैं अपनी साइड से गाइड कर दूंगा, उनको कुछ चीज़ें समझा देंगे, बता देंगे, ताकि देखें लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को लॉस ना कराएं। मैं तो यही चाहूँगा कि कोई किसी को लॉस ना कराए, जो भी है सब मिल के, साथ मिल के इकट्ठा होकर प्रॉफिट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जितने भी लोग हैं मैं फिर बोलूँगा कि मार्केट समझना एक आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी सही बंदे से सीखा हुआ होगा, किसी सही बंदे के साथ आपने काम किया होगा, तो आप मार्केट समझ सकते हैं। चलें ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। हियर यू आर। तो गोल्ड का कल मैंने आपको सिनेरियो बताया था। अच्छा, इस वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट शॉर्ट करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। गोल्ड का मैंने आपको सिनेरियो बताया था, कल के दिन में आपको रेंज मार्क करी थी 1714.50 से और 1705.40 से, 41 से, ये मैंने आपको रेंज मार्क करके दी थी कि इस रेंज पे जिस साइड ब्रेकआउट हो उस साइड आपने बैठना है, उस साइड चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी राय है सेलिंग साइड पे आप बैठे हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं टेलीग्राम मेंबर्स को भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा, तो प्राइस ने यही करा, प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा पहले सेलिंग का मूव दिया और सेलिंग का मूव दे के प्राइस ने उस रेंज को टेस्ट करा, लोगों को यहाँ पे बाय बिठाया और रेंज को टेस्ट करके प्राइस वहीं से सेल हो गई, और मैंने पर्सनली यहाँ से सेल ली थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब ये रेंज टेस्ट हुई थी। तो मैंने यहाँ एक मेरी 1713 से थी ट्रेड और एक 1710 से ट्रेड थी, और मैंने ट्रेड अपनी क्लोज़ कर दी थी तकरीबन 1707 1708 पे, मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दी थी क्योंकि उस टाइम मार्केट की रेंजिंग सिचुएशन आई थी, मार्केट जो गिरी है, मार्केट गिरी थी बाद में। और गोल्ड का मजीद अभी भी सिनेरियो सेलिंग ही है, गोल्ड ने अभी कुछ कैंडल्स दिखाई हैं, उसके बाद भी गोल्ड मजीद सेलिंग है। गोल्ड को आप सेल करेंगे 1699 से, गोल्ड इस एरिया में रेंज करेगा, और 1695 टू 1699 से आप गोल्ड को सेल करेंगे। गोल्ड तब तक इस एरिया में कभी बाइंग कभी सेलिंग थोड़ा बहुत लोगों को परेशान करता रहेगा, गोल्ड मजीद और ज़्यादा बेयरिश जाएगा, सही है? बाकी डिटेल में मैं आपको आज के दिन ट्रेड करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। बाकी आए थे हम ऑयल में, ऑयल का आपको $100 फी बैरल वाला एरिया बताया था, ऑयल ने आज वो एरिया टेस्ट करा और टेस्ट करके ऑयल फिर थोड़ा बहुत सेलिंग में आया था कल के दिन, और आज के दिन भी ऑयल सेलिंग में हो, तो ऑयल बेसिकली सेलिंग में ही है, ये ऑयल लोगों को परेशान कर रहा है। फिर हम आए थे USDT में, USDT की क्या सिचुएशन है, USDT ने हमें सिचुएशन दिखाई तो बाइंग ही है, अब USDT इस एरिया में कंसोलिडेट हुआ हुआ है, तो USDT में कोई भी बंदा ट्रेड ना करे। नेस्डेक, नेस्डेक भी कंसोलिडेट हुआ हुआ है। बिटकॉइन, अच्छा बिटकॉइन ने बहुत अच्छी D1 में एक इंडिकेशन दी है सेलिंग की, तो आप यहाँ से भी बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप जो है वो 27 पे होगा, आपका स्टॉप थोड़ा बड़ा होगा और TP भी इस तरीके से बड़ा होगा, जो लॉन्ग होल्डिंग वाले हैं वो लोग बैठ सकते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन ने बहुत अच्छी इंडिकेशन दी है, यहाँ से प्राइस क्रैश हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे USDCAD में, USDCAD कल वाले एरिया में ही रेंज कर रहा है, कंसोलिडेट हो गया है तो इस पर फायदा नहीं है। फिर हमारे AUDUSD में, AUDUSD भी गोल्ड की तरह जाते जाते रुक गया, जो मैंने आपको बताया था,
और यहाँ से जैसे गोल्ड अपनी सेलिंग बनाई है, ये भी एक बहुत बड़ी सेलिंग देगा। तो उस जितने भी सेलिंग में बैठना चाहते हैं वो AUDSD में सेलिंग में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा मूव आपको मिल सकता है। अच्छा फिर हम आ जाते हैं EURUSD में। EURUSD तो बाइंग में ही है और कंटिन्यू बाइंग में ही रहेगा, तो EURUSD को बाइंग सिनेरियो ही देखें EURUSD का, और बहुत अच्छे एरिया पर यहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बाकी NZDJPY की बात करते हैं, NZDJPY ने वो वाला एरिया ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया मैंने आपको दिया था, ये वाला एरिया टेस्ट होने के बाद फिर मजीद NZDJPY जो है अच्छी बाइंग में है। टोटल कितने पिप्स की बाइंग हो चुकी है? ऑलमोस्ट इसकी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 203 पिप की बाइंग हो चुकी है इसकी, तो ज़बरदस्त जा रहा है ये भी। बाकी USDPY देखते हैं, USDPY का मैंने आपको ये रिट्रेसमेंट एरिया बताया था। इस रिट्रेस एरिया के बाद JPUSD ने सब लोग जो है वो JPV सॉरी USDJPY को सब लोग जो हैं ऐसे अपना ब्रेक इवन कर लें, जिसने बाई ली हुई जिसको मैंने यहाँ से बाई कराई थी तकरीबन 126 पे पॉजिटिव चल रहे, अपना यहाँ पे ब्रेक इवन करके जाने दें, नया हाई भी बनाता है तो आपका ट्रेड अच्छे पॉजिटिव में रहेगी। चलें इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं, अपने अपने सबका ख्याल रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, और फिर बोलूँगा भाई को दुआ में याद रखें, और एक साथ मिलके इकट्ठा होकर काम करेंगे तभी प्रॉफिट होता है। अलग अलग काम करेंगे क्या, किसी स्कैमर के हाथ चढ़ जाएंगे? अकाउंट मैनेजमेंट किसी को नहीं देना है आपने, अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान करेंगे, अगर साथ जुड़ के काम करेंगे तो सभी प्रॉफिट करेंगे, साथ मिलकर प्रॉफिट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सही है, बाकी अपने अपने दोनों सब अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ ऑल।